सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। इन शॉर्ट बोलूँ तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हमको क्या बताता है, अगर मेरे पास एक Q1 चार्ज है और उसके सराउंडिंग में दो और चार्जेस हैं, ये Q3 और ये Q2, तो Q2 और Q3 टोटल कितना फोर्स लगा रहे हैं Q1 पे, ये पता लगेगा मेरे को सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि जो Q2 और Q3 जो Q1 पे फोर्स लगा रहे हैं ना, वो इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम है। Q3 क्या फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, मैंने इसका नाम दिया है F13 वेक्टर। Q2 कितना फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, मैंने इसका नाम दिया है F12 वेक्टर। तो जो नेट फोर्स लगेगा वो ही टोटल फोर्स होगा Q1 पे। अब हम इस डायग्राम में जो भी डिटेलिंग है एक एक डिटेलिंग को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल Q1 ये कहाँ रखा हुआ है, इसकी जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से Q1 का जो ये वेक्टर है इसको मैंने R1 वेक्टर दिया है, इसका पोजीशन वेक्टर है Q1 का। ऐसे Q3 का पोजीशन वेक्टर क्या है, R3 वेक्टर है। ऐसे Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर है। अब Q2 और Q1 के बीच में डिस्टेंस कितनी है, R12 है। Q3 और Q1 के बीच में डिस्टेंस कितनी है, R13 है। Q2 से Q1 की तरफ जाऊंगा तो जो यूनिट वेक्टर है उसको मैं डिफाइन कर रहा हूं R12 कैप। Q3 से Q1 की तरफ जो मैं जाऊंगा तो उस यूनिट वेक्टर को मैं डिफाइन कर रहा हूं R13 कैप। फोर्स Q1 पे लगने वाला फोर्स Q3 की वजह से F13 वेक्टर इस डायरेक्शन में, Q2 की वजह से Q1 पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में, उसको डिफाइन करूंगा मैं F12 वेक्टर। ओके, ये सारी जो भी डिटेलिंग है उनको मैंने डिफाइन कर दिया है। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो ये स्टेटमेंट है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनिए। फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस टेकन वन एट अ टाइम। इसका मीनिंग अगर मैं इस डायग्राम फिगर से बताऊं तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ये कह रहा है, वापस से बताता हूं, कि जो Q1 पे टोटल फोर्स लग रहा है ड्यू टू द सराउंडिंग चार्जेस, वो टोटल फोर्स है वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज एंड फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज। तो फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज इज एक्टिंग अलोंग इन दिस डायरेक्शन विच इज नेम्ड एज F13 वेक्टर, एंड फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज इज एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन विच इज नेम्ड एज F12 वेक्टर। तो मैं इसी वेक्टर को F13 वेक्टर को उठा के यहां ले आऊं। ओके, तो सेम डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड है F12 का, ठीक है। अब मैं ही क्या नोटिस कर रहा हूँ, ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है, तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से मैं क्या कह सकता हूँ, जिन जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा। तो ये जो वेक्टर है F1 वेक्टर, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। दैट मीन्स ये जो F1 वेक्टर है ये रिजल्टेंट फोर्स देगा मेरे को Q1 पे। अब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन देख लेते हैं। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट लाइन और है कि द इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। इसका मतलब ये है कि जो Q3 फोर्स लगा रहे हैं ना Q1 पे, वो उसमें Q2 कोई रोल प्ले नहीं करेगा, यानी कि Q2 Q3 और Q1 के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसमें कोई ऑल्टरेशन नहीं करेगा। सिमिलरली Q2 जो Q1 पे फोर्स लगा रहा है उसमें Q3 का कोई काम नहीं है, Q3 उसमें कोई ऑल्टरेशन नहीं करेगा। तो जो इंडिविजुअल फोर्सेस हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। ओके, अब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन देखते हैं। यूजिंग कूलम्स लॉ F12 वेक्टर कितना है, डायग्राम को साथ में रखते हैं। F12 वेक्टर इस डायरेक्शन में, ओके, K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, डॉट R12 कैप, R12 कैप इज द डायरेक्शन फ्रॉम 2 टू 1। ओके, सिमिलरली मैंने F13 वेक्टर लिख लिया, K Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर,
के क्यू वन क्यू थ्री अपॉन आर वन थ्री, इस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, डॉट आर वन थ्री यूनिट वेक्टर। ओके, तो यूनिट वेक्टर मेरे को डायरेक्शन बताएगा। तो जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैं क्या लिख सकता हूँ, नेट फोर्स जो क्यू वन चार्ज पे लग रहा है वो इन दोनों का वेक्टर सम है, ये वेक्टर फॉर्म है, और इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये वेक्टर सम हो गया। सिमिलरली अगर एन चार्जेस होंगे तो मैं एन चार्जेस के लिए इक्वेशन लिख लूंगा प्लस वन एन तक। ओके, तो मैं अगर एक एक की वैल्यू पुट करूं, एफ वन टू की वैल्यू, एफ वन थ्री की वैल्यू और एफ एन एथ चार्ज की वैल्यू, यानी कि एफ एन एथ चार्ज जो फोर्स लगाएगा क्यू वन पे वो हो जाएगा क्यू वन क्यू एन अपॉन आर वन एन होल स्क्वायर डॉट आर वन एन कैप। ओके, इसमें जो कॉमन आ रहा है उन कॉमन टर्म्स को मैं बाहर ले लेता हूँ, कि क्यू वन बाहर आ गया और ये मैंने समेशन कर लिया, क्योंकि समेशन करना पड़ेगा मेरे को, क्यू टू क्यू थ्री ऐसे क्यू एन चार्जेस हैं तो सभी चार्जेस को सम कर लूंगा तो मेरे पास टोटल फोर्स निकल आएगा। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है। तो क्यू आई और आई जो है वो मेरा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, क्यू टू से क्यू एन तक, देखें क्यू टू क्यू थ्री और कहाँ तक जा रहा है, क्यू एन तक जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्यू आई अपॉन आर वन आई होल स्क्वायर, यहाँ पे भी आई आएगा क्योंकि यहाँ पे भी टू थ्री एन तक वेरी कर रहा है, और यहाँ पे भी आई आएगा आर वन आई कैप क्योंकि टू थ्री एन तक वेरी कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे आर वन आई कैप लगा रहे हैं। ओके, सो ये टोटल फोर्स है ऑन द चार्ज क्यू वन।